जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जैसे कि सब लोगों का इंतज़ार बहुत अच्छा ख़त्म हुआ है, होली आ गई है। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम होली पे इस बार सिद्धियों का है कि नहीं। होली पे बहुत अच्छा है, अभी से हमने काम लेना शुरू कर दिया। जिसको भी होली की सिद्धि करवानी है, आज से काम देना शुरू करें। होली तक सिद्धि करके होली के दूसरे दिन आप लोगों की सिद्धि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दूसरी बात, देखिए बहुत से लोगों ने जो लॉटरी में और सब में शक्तियों में नाम डाला था, थोड़ा सा लेट फास्ट हुआ है। मैं झूठ बोल के काम नहीं करती हूँ, मैंने भी बोला है, मैंने ऑलरेडी सबको मैसेज किया है कि जिनके पास अभी कुछ मुश्किल से 10-15 जन और बचे, जिनका पहुंचना बाकी है, उनका भी होली के दूसरे दिनों सामान निकाल के उन तक पहुंच जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, ये विद्या देवी कभी झूठ नहीं बोली है। जो चीज़ है मैं खुलेआम YouTube पे बोलती हूँ। जिन लोगों ने करिश्मा पढ़ी, हाजी मस्तान जी लिए, उसकी वजह से भी जो उनका फ़ायदा है, जो उसके ऊपर से बोला था, वो भी होली के बाद उनको मिल जाएगा। दूसरा, बहुत सारे जने बोला जैसे मैडम आपने करिश्मा पढ़ी और हाजी मस्तान पे जैसा रखा था ऑफर कि वो परी लेने से वो फ़ायदा होगा, इस बार होली पे वैसा कुछ नहीं। होली पे सिर्फ करिश्मा परी जो लेंगे उनको उस चीज़ का फ़ायदा है कि जो करिश्मा परी की शक्ति लेंगे उनको शक्ति तो मिलेगी, प्लस 15 दिन में उनको उस पैसों का फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने मेरे पास लॉटरी में इसमें नाम डलवाया है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि नहीं हुआ है, हुआ है। आपको भी पता है दो बार प्रॉब्लम्स आ चुकी है, लेकिन होली के तक हमने रोक दिया गया। होली के दूसरे या तीसरे दिन सबके पास सबके अमानत पहुंच जाएगी, बेफिक्र रहिए। क्योंकि मुश्किल से 10-15 जन बचे हैं और जिनके पास मिल चुका है उन्हें हमने ही मना किया है कि नहीं बताएं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अपनी चीज़ मिली, आप भगवान के नाम पे दान करो, रखो, बस हो गया। बाकी एक और बात, जो लोग कमेंट बॉक्स में गाली देते हैं, मैं एक ही बात बोलूँगी। देखिए, मुझे एक तो जन ने बोला मैडम आप गाली मत दीजिए, मैंने तो ऑलमोस्ट गाली देना बंद कर दिया, लेकिन आप उनको तो समझाइए क्या करते हैं। मालूम, एक एक जन मुझसे बात करेंगे, मैडम हम एक करिश्मा परी शक्ति चाहिए, ठीक है, इतना इतना पैसा लगेगा, ठीक है, सब कुछ ले लेंगे। उसके बाद कितनी गंदी बात करते बारे में, मैडम तुम्हारी बेटी के साथ सोना है, कितना पैसा लेंगे आप बताइए। जब कोई मेरी बेटी तक आएगा तो मैं छोड़ूंगी क्या? लेकिन तो भी अब मैं गाली नहीं दे रही, मैं उनको ये सोच रही कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी। मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, मैं जो अपने पद पर हूँ वही हूँ, मुझे कुछ डर नहीं है। कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं, डर जो जैसा करेगा वैसा। जो मेरी लड़की तक आ रहा है, भगवान ने उसके भी घर में एक लड़की दी होगी ना, जो मेरी लड़की को बोल रहा है कि कितना लेगी, तो उसके भी घर में एक बच्ची है ना, उसको देखेंगे। मेरे सब्सक्राइबर आज की तारीख में इतना बड़ा जैकपॉट लगा है, 57 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं उन भाइयों से पूछती हूँ कि जब मेरे को कोई कमेंट बॉक्स में गाली देता है तो क्या उनको जरा सा नहीं लगता है कि वो जवाब दे सके कि यार मैडम तक जाओ ना, लड़ना है तो शेरनी से लड़ो, उनके बच्चों तक क्या आ रहे हो। अपने भी घर में लड़के, देखो एक उंगली आप मेरी तरफ उठाएंगे, चार उंगली आपकी तरफ है, तो भी मैं गाली नहीं दूंगी। फिलहाल मेरा काम है, अभी होली की शक्तियों का काम लेना चालू हो गया। जिसे भी चाहिए अपना व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेजें। जो भी प्रोसीजर, भाई खर्चा तो लगेगा क्योंकि कोई दुकान वाला मेरे पहचान का नहीं है, जो भी प्रोसीजर पूरा कीजिए, हम आपको भेजेंगे। सब क्या बोलते हैं मैडम आपके पास शक्तियाँ हैं, तो मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं अपनी शक्तियों से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सेफ्टी मांगती हूँ, पैसे कभी नहीं मांगती, क्योंकि भगवान की दया से पैसे तो एक कितने रोड पे खड़ी हुई औरत भी कमा लेती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ है जिस तरह से होता है, अगर आप सत्यनारायण की पूजा कराते हो तो पंडित को बुलाना पड़ता है, और मेरे यहाँ तो खुला ऑप्शन है कि अगर काम नहीं हुआ तो हमने लोगों के रिटर्न किए हैं। हाँ, हालांकि और भी एक दो जने जो रिटर्न लेते हैं उनको भी यही कहूँगी, जिनको रिटर्न लेना रहता है उनको शांति बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि हम काम में पैसे डालते हैं ना कि घर में डालते हैं। हम अपने पैसे काम में डालते हैं, काम में डालने के बाद जब वो चीज़ किसी का, देखो 100 में 1-10 जन ऐसे होते हैं जिनके नसीब में नहीं रहता, नहीं होता, लेकिन उनके पूरे पैसे तो मिल रहे हैं ना, डूब तो नहीं रहे ना। इस विद्या देखिए, बस कम से कम 50 स्लिप में आपको ऐसे फोटो निकाल के दे सकती हूँ जिनके हमने रिटर्न किए हैं। हमको जरूरत नहीं है किसी का रखने का भाई। हाँ, ये है कि हम पूजे में डाल देते, जब हमको भी कहीं से आएगा तब हम रिटर्न करेंगे, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बाकी हार्दिक होली की हार्दिक शुभेच्छा, होली में जो कुछ करना रहेगा टोटका में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी शक्ति चाहिए तो अभी से कांटेक्ट करना चालू करें, क्योंकि अभी से शक्तियों का काम चालू करेंगे तब जाके होली तक होगा। होली के बाद फिर 1 साल सबको वेट करना पड़ेगा दिवाली तक। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और प्लीज़ मेरे से दुश्मनी मुझे गाली दें, मेरे बच्चों तक लड़कियों तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को गाली दे रहे हैं क्योंकि आपके भी घर में एक बच्ची है, तो समझिए, ऐसे मत कीजिए। मैंने कभी किसी के घर तक गाली नहीं दी, और मैंने आपसे गाली देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अपने उन भाइयों का मान रखना ज़रूरी, जो मुझे कहते हैं दीदी आप गाली मत दीजिए। तो जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।